नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटिवेशन। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ खास करके दिखाने वाला हूं जो कि आपने अभी तक YouTube पे कभी नहीं देखा होगा। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी ब्रेजा और ने 2020 जो 3 नेक्सोन है उसके साथ हमने बिल्ड क्वालिटी टेस्ट कंपेरिजन किया था। बहुत से लोग आपको गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी नोक नोक करके या फिर डोर बंद करके क्लोज करके बताते हैं, लेकिन यह हम कुछ ऐसा टेक्निकल करने वाले हैं जो कि अब तक किसी ने नहीं किया, जिसको करने के लिए हमें काफ़ी टाइम रिसर्च किया और काफ़ी मेहनत भी की है। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में हम एक ऐसे एक्सरे मशीन टाइप एक ऐसे डिवाइस का यूज़ करने वाले हैं जो कि गाड़ी के लोहे को सेंस करके बता देता है कि लोहा कितना ज़्यादा मोटा है, कितना ज़्यादा हैवी है, दोनों ही गाड़ियों में कितना ज़्यादा थिक जो है स्टील का यूज़ किया गया है, चाहे वो बॉडी का इंटरनल पार्ट हो, इंटरनल स्ट्रक्चर हो, चेसिस हो या फिर आउटर बॉडी शीट हो। तो वीडियो में बड़ा ही मजा आने वाला है। तो पहले हम टाटा नेक्सोन को टेस्ट करेंगे, उसके बाद फ्रोंक्स को टेस्ट करेंगे और दोनों ही गाड़ियों के बीच में फिर कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी मेटल की एक्यूरेसी से थिकनेस उसकी मोटाई बता देता है। तो यहाँ पे हम पहले नेक्सोन की जो आउटर शीट है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंडर बॉडी चेसिस, उसकी थिकनेस चेक करेंगे, मोटाई की वो कितना ज़्यादा मोटा है, और फिर उसके बाद फ्रोंक्स का चेक करेंगे। दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि किस में ज़्यादा लोहे का यूज़ किया गया, किस में ज़्यादा मात्रा में स्टील यूज़ किया गया। तो आउटर बॉडी टेस्ट करते हैं सबसे पहले हम। तो ये सबसे पहले इसके अंदर एक कॉइन दिया होता है टेस्ट करने के लिए, अगर वो 4 mm का है तो डिवाइस सही काम कर रहा है। तो ये देखिए डिवाइस सही काम कर रहा है। और यहाँ पे बोनट अगर हम टेस्ट करें आउटर में, फ्रंट में, तो 1.4 mm आउटर साइड जो बोनट की, जो सबसे निचला हिस्सा है। उसके बाद मिड ऑफ द बोनट अगर आप देखेंगे तो 1.3 mm इसकी मोटाई है, यानी कि ये इतना मोटा है। और उसके बाद कॉर्नर से देखेंगे बोनट तो 1.4 mm। तो ये इसका बोनट है। अब हम आगे फ्रंट फेंडर की तरफ, तो फ्रंट फेंडर इसका मोटा है काफ़ी, 2.1 mm जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मोटाई। और ए पिलर की बात करें तो 1.8 mm। और ये हम आ गया साइड डोर पे, 1.3 mm। तो साइड डोर है ये ड्राइवर का, और यहाँ पे मिड ऑफ द डोर देखोगे तो 1.3 mm। तो आउटर शीट ओवरऑल हर जगह 1.3-1.4 mm देखने को मिल रही है। यहाँ पे लोअर साइड भी देखेंगे डोर का तो 1.4 mm। तो डिवाइस जो दोस्तों हमने काफ़ी टाइम रिसर्च करने के बाद इस डिवाइस को लिया है, जिसका हमारे पास एक्यूरेसी का और सर्टिफिकेट लाइसेंस भी है। तो ये है 1.3 mm इसकी रू। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। हम वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी मेहनत करी हमने इस वीडियो के लिए, और उसके लिए एक लाइक तो प्लीज़ बनता है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये है इसका जो बूट का एरिया, वहाँ पे भी देखा 1.3 mm, और ये आपने देखा बम्पर 9.3 mm इसका मोटा है बम्पर। तो कोई भी बिल्कुल अगर इसकी आपको एक्यूरेसी पे डाउट है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको वीडियोस भेजूंगा जो हमने ऑलरेडी बना रखी हैं। तो ये देखिए रियर पैसेंजर डोर जो है वो भी 1.4 mm। तो आउटर शीट जो है लगभग आपको 1.3-1.4 mm देखने को मिल रही है। तो ये हम आ गए हैं अंडर बॉडी। अंडर बॉडी में अगर फ्रेम की बात करें तो ये जो फ्रेम है गाड़ी का 3.6 mm, और जो बेस की बात करें अंडर बॉडी में जो बेस होता है पूरी, तो वो है 5.1 mm। तो जहाँ पे ये डिवाइस रुक जाता है समझ लो वो फाइनल है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट काम करता है। हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप टेस्ट वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो आगे हम बोनट के अंदर की साइड, बोनट का अंदरला हिस्सा जो है 1.7 mm, और इसके बाद अगर हम बात करें निचले हिस्से की तो ये जो क्रैश रेल्स बोलते हैं इन्हें, तो ये है 1.6 mm यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर यहाँ की बात करें तो स्कटल जो एरिया है वो 2.3 mm। तो ये पूरा गाड़ी का ढांचा है जहाँ जो है टेक्निकल डिज़ाइन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि हम पूरी कोशिश और मेहनत से हर एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम देखा कि 97% लोग जो है वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सिर्फ 2-3 सेकंड से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आगे हम मारुति फ्रोंक्स के पास कुछ जो ऐसा बिल्कुल ओपन है, मॉडिफिकेशन चल रही है, और ये है मारुति इसका इंटरनल और आउटर स्ट्रक्चर मॉडिफाई मिल जाएगा, और इसे हम टेस्ट भी खुली पड़ी है। स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग से। तो स्टार्ट करते हैं बोनट से, इंटरनल बोनट के स्ट्रक्चर से, और ये है इंजन के साइड कवरेज पार्ट्स, तो उनको चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 1.4 mm की रीडिंग आई है, और ये जो चेसिस का एरिया है तो वहाँ पर चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या रीडिंग आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.6 mm, और ये 1.6 mm पे रुक चुका है और 1.6 mm है, और ये दूसरी साइड से अगर हम चेक करें तो साइड पार्ट 1.4 mm। तो वीडियो में बने रहेगा, जल्दी हम आपको रिजल्ट्स शो करेंगे, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये तो इंटरनल पार्ट्स की थी, और अगर हम आउटर शीट की बात करें तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं, जो साइड में जो शीट की जो मेटल की थिकनेस है वो है 1 mm, और अगर हम इसको और नीचे ले जाते हैं तो सेंटर पार्ट से थोड़ा सा मोटा है ये, 1.1 mm आया था इसका। और यहाँ पे अगर हम साइड डोर की बात करें तो ऊपर की साइड आप देख सकते हैं 1.1 mm की इसकी जो मीटर रीडिंग आई है, और अगर हम इसको
जैसे जैसे नीचे ले जाएंगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगी। ये देखिए वन, देखो 1.1 mm आया। और ये ए पिलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है 1.4 mm। रूफ़ की बात करें तो रूफ़ भी आपको यहाँ पे जो है मेटल शीट 1.1 mm देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपने नोटिस किया होगा कि पूरी बॉडी की जो शीट मेटल है 1.1 mm के आसपास है। और यहाँ पे फ्रंट बम्पर की बात करें तो ये देख सकते हैं आप 7.9 mm थिकनेस है इसकी, यानी कि ये इतना ज़्यादा मोटा है, 7.8 और 7.9 mm के बीच में इसकी मोटाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो साइड मिरर जो सॉरी साइड डोर है वो अंदर से जो उसकी हमने देखी मेटल शीट थिकनेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 mm इनसाइड जो है शीट की मोटाई हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गाड़ी का नीचे पीछे का नीचे का बेस, जो गाड़ी जहाँ पे सीट उतरी हुई है और नीचे जो बिल्कुल साफ़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस पर आप देख सकते हैं 1.4 mm और 1.6 mm आप देखने को मिल रही है। और यहाँ पे नीचे की साइड जो है गाड़ी का बेस उसको जब हमने टेस्ट किया तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 1.2 mm। और अगेन दूसरी साइड से देखा थोड़ा आगे पीछे और करके तो भी जो है यहाँ पे ये रुकती है 1.3 mm। तो यहाँ पे जो ओवरऑल गाड़ी आप देख सकते हैं 1.1 mm जो शीट है और इंटरनल पार्ट जो गाड़ी के जैसे चेसिस होगी या और स्ट्रक्चर है तो 1.3 mm के आसपास है। और ये आप देख सकते हैं कि जो बोनट है गाड़ी का वो कितना हैवी है, बाहर से जो यहाँ पे आपको 1.1 mm ही देखने को मिल रहा है ओवरऑल थ्रू आउट द बोनट। तो ये है इन दोनों गाड़ियों के बीच में डिफरेंस, आपकी स्क्रीन पर है नेक्सोन और फ्रोंक्स दोनों की जो आउटर शीट है इंटरनल बॉडी फेंडर्स के बीच में कंपैरिजन। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ जो फ्रोंक्स है वो मारुति की बलिनो और स्विफ्ट से थोड़ा आउटर शीट में बेहतर है। और यहाँ पे अगर नेक्सोन के कंपैरिजन में देखेंगे आप तो आउटर शीट जो नेक्सोन की है वो 1.3 mm से 1.4 mm के बीच में है, लेकिन जो फ्रोंक्स है वो 1.1 mm से और 1.2 mm के बीच में है। फ्रंट फेंडर्स की बात करेंगे तो फेंडर और रियर फेंडर में दोनों में ही आधो हाथ का डिफरेंस है, नेक्सोन में 2.3 mm है, फ्रोंक्स में 1 mm है। रूफ की बात करें तो नेक्सोन की 1.3 mm है, फ्रोंक्स की 1.1 mm है। बम्पर की बात करें तो वो भी ज़्यादा हैवी है एज़ कम्पेयर टू फ्रोंक्स 9.2 mm। और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रोंक्स में आपको 1.4 से 1.6 mm देखने को मिलता है, लेकिन नेक्सोन में 1.7 टू 2.3 mm। अंडर बॉडी की यहाँ बात करें तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है, 3.6 mm की मोटाई यहाँ पे देखने को मिलती है फ्रोंक्स में 1.3 mm। और वहीं बेस की बात करें तो वह है 5.1 mm। दोनों की गाड़ियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं यहाँ पे, तो हमें इस वीडियो में ये तो पता चल रहा है कि दोनों ही गाड़ियों का जो लोहा है वो कितना ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ पे नेक्सोन ऑब्वियसली साफ साफ विनर है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में अलग अलग टाइप का स्टील को यूज़ किया गया है। फ्रोंक्स में अलग स्टील यूज़ किया गया है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील, और नेक्सोन जो है उसमें अलग टाइप का स्टील यूज़ किया गया है। नेक्सोन का वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम आइडिया तो लगा चुके हैं कि दोनों का लोहा जो है कितना ज़्यादा हैवी है, लेकिन जो एक्चुअल रेटिंग है वो क्रैश टेस्ट रिजल्ट में ही पता चलता है, क्योंकि क्रैश टेस्ट में काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है मैटर करते हैं, जैसे कि गाड़ी का जो टेक्निकल डिज़ाइन है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो अच्छा लोहा है वो कितनी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया और कहाँ कहाँ यूज़ किया गया, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ किया गया या फिर नहीं, तो ये सब चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि फ्रोंक्स को क्या सेफ्टी रेटिंग मिल सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।